सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, देखो यार है तो विटारा प्रजाई, आपको दिख रही होगी कि कौन सी है। पहले भी आपने मेरे चैनल पे कई बार इसे देख लिया होगा। सो देखो भाई इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, ये इसका हो चुका है एक्सीडेंट। पहले बहुत बार देखा होगा एक्सीडेंट में, देखो यहाँ से ये मुड़ चुका है पूरा। और यार इतना ठुकने के बाद भी ना ये बिल्कुल जमा ही पड़ा है इसमें, ये देखो। तो बिल्ड क्वालिटी आप देख लेना कितनी बढ़िया है। और ये देखो नीचे करते साथ ही इसका ये और लटक गया यहाँ पे। तो पहले तो ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसका हो चुका है, लाइट वगैरह सब इसकी बाहर आ गई है। फिलहाल तो ये टिकी हुई है। तो विटारा ब्रेजा में आपको 4 स्टार मिलते हैं। तो यार 4 स्टार के हिसाब से आप इसकी सेफ्टी चेक कर सकते हैं किस तरह से सेफ्टी मिलती है। तो ये तो आपने देख लिया, इसके अलावा साइड से भी ये थोड़ी सी रगड़ गई थी। और भाई ये एक्सीडेंट हुआ किससे, कैसे एक्सीडेंट हुआ है वो तो सब आपको अंदर चल के बताते हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं और बताते हैं कैसे हुआ एक्सीडेंट। सो भैया बताओ एक्सीडेंट हुआ कैसे, मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हो रहा था, आगे एक ट्रक चल रहा था, उस ट्रक के आगे कोई पता नहीं कुत्ता को अगर कुछ आ गया और उसने ब्रेक लगा दी एकदम से। और हमारे हम भी चल रहे थे, हमारी स्पीड भी ठीक थी 40-50 की, और एकदम से ब्रेक लगा दी, बचाते एक तरफ से लड़ी गई गाड़ी। बस तो भाई यही होता है बम्पर टू बम्पर चलाने का, दिल्ली में ना यही होता है अधिकतर कि जब भी बम्पर टू बम्पर चलाओगे ना तो मतलब सामने वाला ठुकेगा तो दूसरे को तो ठुकना ही ठुकना है, ये फिक्स है। तो भाई ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने के बाद देखो सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ये भी यहाँ पे क्रैक आ चुका है, ठीक है। और काफी अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा गाड़ी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, और अभी एकदम से ये एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बढ़िया चल रही थी एकदम, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है इस गाड़ी की, हमें तो पता भी नहीं पड़ा, अंदर तो झटका भी नहीं आया है कि बाहर से थोड़ी इतनी भी लग गई होगी। तो अच्छा 30-40 पे खुलने के बाद भी एयर बैग नहीं खुले, ये सब पॉजिटिव में लिया जाए या नेगेटिव में? नहीं, एयर बैग के सेंसर पे जहाँ पर है एयर बैग के सेंसर वहाँ की तरफ हुआ ही नहीं ना इम्पैक्ट, इसलिए भी नहीं खुले हो, क्या पता एयर बैग अच्छा ही नहीं खुले इतने से एक्सीडेंट पे एयरबैग खुल जाते दिक्कत हो जाती है। तो वैसे ये कहते हैं एयरबैग खुलने के बाद गाड़ी बेकार हो गई, हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई सबसे मेन चीज तो है कि सबके सब सेफ बच गए, जो भी गाड़ी के अंदर थे वही मेन होता है। अंदर तो पता ही नहीं पड़ा कुछ भी, इतने से भी आगे पीछे नहीं हुए, पता ही नहीं पड़ा, बस हल्की सी आवाज आई थी और कुछ नहीं हुआ। तो भाई का तो काम बढ़ गया, अब 1 महीने के लिए गाड़ी कम से कम क्लेम पे जाएगी। नहीं 1 महीने नहीं, आ जाएगी 3-4 दिन में आ जाएगी बस। सर्विस के हिसाब से तो फिर देखा जाए तो जो भी है कंपनी चलो ठीक है, ठीक क्लेम देगी, लेकिन यार ये जो नुकसान वगैरह होते हैं ना ये सारी चीज झेलने बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। एकदम से ऐसे ही फटका लग गया, आराम से जा रहे थे, सोचा था हो जाएगा हल्के में काम, या कैड़ा या खर्चा बैठ गया, हेडलाइट भी गई, फेंडर भी गया, बम्पर भी गया, और अंदर के पता नहीं कौन कौन से पार्ट गए होंगे, फेंडर लाइनिंग सब गए। तो भाई अब देखो यही दिक्कत है। अब सबसे मेन चीज में दिक्कत बताऊं क्या है कि लाइट हमने अलग से लगा रखी थी। हाँ ये लाइट भी इतनी महंगी है, एक लाइट 22,000 रुपए की है एक। अब अगर लग रहा हो कि हम झूठ बोल रहे तो भाई उस ऐप पे भी जाके चेक कर लेना, बोर्डो पे 22,000 की तो, और बाकी फिर दूसरा कमीशन अलग। MGB पे तो और ज्यादा की होगी, और MGB पे तो ओरिजिनल कंपनी से ही मिलेगी, तो फिर तो और टैक्स वगैरह अलग से कट के मिलेंगे। हाँ वही तो। तो भाई ऐसा कुछ आपने देख लिया था हमारा एक्सीडेंट जो विटारा ब्रेजा का हुआ था। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगा, दूसरों को नहीं लगी, गाड़ी में लग जाए वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन खुद को लग जाए ना वो झेलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो कुछ भी हम तो इतने से आगे भी नहीं हुए बिल्कुल भी, कुछ भी पता ही नहीं पड़ा अंदर से। तो भाई इस वीडियो को इतना रखते हैं, और ये थी हमारी वीडियो एक्सीडेंट के ऊपर जो कि एक्सीडेंट हुआ था विटारा ब्रेजा का। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी वाइज आपने चेक कर लिया होगा। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय।